हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समर। तो गाइस, जैसे तैसा करके मैंने इलेक्ट्रिक स्कूटर तो ये बना लिया, लेकिन भाई ये हो गया अप डाउन। अब गाइस, मैंने काफी सर्च किया कि भाई मुझे ऑनलाइन एक चार्ज मिल जाए, तो गाइस 2,000 रुपए 2,500 रुपए, और गाइस कहीं मिल भी नहीं रहा, मतलब आउट ऑफ स्टॉक है। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम ऐसे इलेक्ट्रिक साइकिल, इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक कार के लिए, टॉय कार के लिए एक चार्ज बनाने वाले हैं, जो कि 24 वोल्ट होगा। गाइस, क्विक यानी कि फास्ट चार्ज होगा, काफी चीप भी बनेगा, खुद बनाएंगे मजा भी आएगा, कुछ सीखने को मिलेगा। प्लीज दोस्तों, कंप्लीट वॉच कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी चार्ज इजिली बना लोगे। चलो फटाफट चलते हैं अपने टॉपिक पर। चलिए, समर एक्सपेरिमेंट भाई, वह टूटा नहीं। तो गाइस, इस धासु चार्ज को बनाने के लिए हम यूज नहीं करने वाले हैं पीवीसी का पाइप। हाँ, मतलब हम यूज नहीं करेंगे। चल चूटा। गाइस, मैं सोच रहा हूँ आज हम कुछ और यूज करें, वह मैं लेकर आता हूँ। तो भाई साहब, हम लेने वाले हैं 15 एम्पीयर का एक जंक्शन बॉक्स। अच्छी तरह जानते हो, लॉन्डो को पहचानते हो, 15 एम्पीयर का सॉकेट और स्विच उसमें लगता है, घरों में यूज होता है। और गाइस, ये मुझे सिर्फ 30 रुपए का पड़ा है, और इस तरह के पैसे बच जाएंगे, टाइम बच जाएगा, मेहनत बच जाएगी, और जो पैसे बच जाएंगे आप उससे अंडा खरीदेगा, फिर मुर्गी निकलेगी, फिर अंडा खरीदेगा, फिर मुर्गी निकलेगी, मुर्गी से अंडा होगा। यार बहुत सारी बात होगी, इसे चिल्लेगी। तो भाई साहब, फटाफट यूज करते हैं इसका। तो भाई, अब यहाँ पे ले रहा हूँ कुछ ट्रांसफार्मर, और गाइस इनकी कंडीशन देखता हूँ, पता लग रहा होगा भाई साहब बाबा आदम के जमाने के ट्रांसफार्मर है। बस गाइस, वाले होते भाई, मैंने जिंदा बचा लेता हूँ। देखिए भाई साहब, यहाँ पे तार टूटने वाला होता है, मैं यहाँ पे ग्लूगन लगाता हूँ। यहाँ पे तार टूट चुका है, यहाँ पे मैंने अलग से ग्लूगन लगा के इसे रात जोड़ा है, कि भाई मुझे पता है कि मैं ये प्रोजेक्ट बनाऊंगा कल, देख सकते हो। तो भाई, ग्लूगन काफी मस्त काम करती है। और भाई साहब, ये ट्रांसफार्मर 3 एम्पीयर 0 12 या 12 0 का, और ये ट्रांसफार्मर 2 एम्पीयर 12 0 12, ये 0 12 ये 12 0 12 है, ये सिर्फ 12 वोल्ट आउटपुट दे सकता है, ये दे सकता है 24 वोल्ट आउटपुट। तो गाइस, हम इसे लेंगे। तो भाई, हम यूज करेंगे बॉक्स। और भाई, वैसे भी अगर मैं इसमें 3 एम्पीयर का लगाता हूँ, आने का नहीं है लेकिन लाना पड़ेगा। और भाई देखता हूँ, ये भी नहीं आ रहा, लेकिन इसे हम लेकर आएंगे, है ना, कुछ आते नहीं है, उसे लानी पड़ती है अपने तरीके से। तो भाई, हम क्या कर सकते हैं, इसे तो फिलहाल हम भूल जाएं, इसे भैया यहाँ से हम कटिंग करनी पड़ेगी, थोड़े से मॉडिफिकेशन करने बाकी है। तो फटाफट यहाँ काटते हैं इसे, और फिर गाइस इसमें लगाते हैं 2 अलग से पार्ट। काफी मोटर लगता है, प्रोक्सी 2 mm मोटर तो होगा भाई। तो भाई, यहाँ पे ली है पीवीसी पाइप की शीट, एक ऊपर के लिए और एक नीचे के लिए, अप बॉटम, मतलब कितना ही मैंने कर लो भाई, हम पीवीसी पाइप की शीट यूज नहीं करेंगे, लेकिन यूज तो भाई करनी पड़ेगी, काफी मस्त चीज यार जो बात है। खैर भाई साहब, लगानी तो है। तो देखिए, ये आई थिंक डाउन नीचे का पार्ट है, लिख दिया मैंने भाई, ये इसका ऊपर का पार्ट, यो बिल्कुल भाई साहब, यो हनी सिंह आ रहे हैं। पहले मैं नीचे का पार्ट अच्छी तरह चिपकाना है। तो भाई, चिपकाने के लिए वही रामबाण उपाय, तो भाई चिपका दो ऐसी बड़े करके। भाई चिपक तो गई है, लेकिन प्रॉब्लम है कि भाई इस पर इतनी मजबूत नहीं चिपकती स्टार ग्लू, फिर से भाई बहुत अच्छी चिपकती है, इस पर नहीं चिपकती। तो भाई, और मजबूत करने के लिए हम धांसू वाली ग्लू गन का यूज करेंगे। तो भाई, जो मस्त चिपक गया बिल्कुल, जो बात है। अब भाई, यहाँ पर हमें करने होल, तो आप अपने हिसाब से मोटे मोटे से होल बनाकर, जिससे कि हवा का आदान और प्रदान चलता रहे, तो आप कर सकते हैं। तो मैं जरा थोड़े से ज्यादा करूंगा, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होल होंगे। गई कुछ पता नहीं भाई बैटरी वाली का। तो भाई, दूसरी बैटरी लगाई है, और दूसरा ये मैंने यहाँ पर ड्रिल बिट का यूज किया है। लो भाई, बड़े होल हो गए, जो बात है, हवा का आदान प्रदान होता रहेगा। ऐसे में से हम इधर भी होल करने। हाँ, तो भाई साहब, यहाँ पे देख सकते हो, तो अच्छे से होल हो गए, इधर भी होल हो गए। तो गाइस, अब यहाँ पे लेंगे अपना ट्रांसफार्मर, मतलब अपना नहीं, ये वाला ट्रांसफार्मर, जो कि है कॉपर में 12 0 12 का, बहुत चीज मिल जाता है, लगभग 130 140 रुपए का आसान से आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट शॉप पे से। ऑनलाइन तो काफी कॉस्टली मिलेगा, है ना, मेरी खुद छिली पड़ी है, मैं खुद नहीं मंगा पाता। अब गाइस, यहाँ पे ले रहा हूँ मैं 4 डायोड, जो कि IN5408 के है। गाइस, अगर आपको 2 या 3 एम्पीयर ज्यादा लेना हो, तो भाई आप 6A4 का डायोड लगाए, ये 2 एम्पीयर के लिए, बल्कि 3 एम्पीयर तक भी चल जाता है। तो भाई, इनका बना ले ब्रिज एक्टिफायर, और भाई ये बनाना बहुत इजी है। 2 सिल्वर कलर की लाइन है, आपस मिलानी है, 2 ब्लैक कलर का पार्ट है, आपस मिलाने हैं। देखिए, इन दोनों को आपस मिला दोगे, जो सिल्वर की लाइन है ये पॉजिटिव आउटपुट होगा, जो ब्लैक पार्ट है ये नेगेटिव आउटपुट होगा, और ये वाला ट्रांसफार्म के होगा, जो ट्रांसफार्म का इनपुट आप दोगे ना, और ये बता दूंगा आपको, बने रहिए। तो भाई, ये रहा ट्रांसफार्म, देखिए यहाँ से AC लेता है, और यहाँ से भी AC आउटपुट देता है, ठीक है। तो भाई, इसे AC में कन्वर्ट करने के लिए हमें ब्रिज एक्टिफायर की जरूरत पड़ती है, जिससे हम इसे DC ले सके। भाई देखिए, बहुत ईजी है, सिल्वर लाइन और ब्लैक पार्ट इस पर लगा दो, चाहे इस ब्लैक पार्ट और सिल्वर लाइन पर लगा दो, ठीक है, लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पे फिलहाल हमने इसे लगा दिया, और भाई दूसरा इस पे लगा दो, और भाई जो ब्लैक पार्ट है ये नेगेटिव, और जो सिल्वर दोनों मिले हुए हैं ये पॉजिटिव आउटपुट है इसका। अब गाइस, यहाँ पे ले रहा हूँ एक कैपेसिटर 4700 माइक्रोफैराड और 25 वोल्ट का है, और भाई जो लाइन देख सकते हो, ये इसकी नेगेटिव है, यहाँ पे माइनस का साइन बना हुआ है, लेट है। तो भाई, यहाँ तक तो एक कंप्लीट हो चुका है, नेगेटिव लगा दिया है ब्लैक पार्ट में और पॉजिटिव लगा दिया सीधा, तो भाई ये तो हो चुका कंप्लीट। अब प्रॉब्लम ये आएगी कि भाई ये आउटपुट 25-26 वोल्ट तक दे देता है, लेकिन हमें चाहिए 29.4 वोल्ट, यानी हमें लिथियम बैटरी चार्ज करनी है, तो गाइस हमें 29.4 वोल्ट आउटपुट चाहिए। तो भाई, आउटपुट लेने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? तो गाइस, आउटपुट को बूस्ट करने के लिए हम ये बूस्टर मॉड्यूल यूज करने वाले हैं, जो गाइस
10 वोल्ट अगर आप इसमें दोगे तो भाई 35 वोल्ट तक आपको दे देगा डीसी में। और गाइस इससे आप 6 एम्पीयर तक का मैक्स करंट यानी कि एम्पीयर ले सकते हो। और गाइस ज्यादा आप लोगे तो गाइस आपको अलग से हीट सिंक में ऐड करनी पड़ेगी, भाई बहुत चीप मिल जाता है, 300 गाइस आपको अमेज़न में मिल जाएगा। और गाइस आराम से अगर आप 10 वोल्ट दोगे तो 35 वोल्ट तक ये आपको आउटपुट दे देगा, काफी मस्त चीज है, सस्ता है बहुत, है ना। तो भाई 150 रुपए का हमारा ट्रांसफार्मर, 350 का मामला, तो गाइस 500 रुपए 600 रुपए तक मान लीजिए। खैर अभी उसमें और भी जो ऐड होगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो गाइस कनेक्शन मैंने कर दिए, बहुत इजी कनेक्ट है, सब इस पे लिखा है, देखिए नेगेटिव इनपुट, ठीक है, यानी कि माइनस का इनपुट, देखिए ये जरा नेगेटिव में लगा दिया, पॉजिटिव इनपुट भाई इस पे लगा दिया। अब गाइस ये बच्चे दोनों आउटपुट, ठीक है, यहाँ पर आउट प्लस और आउट माइनस। अब गाइस यहाँ पर आउटपुट लेंगे, काफी सारे तरीके हैं। आउटपुट का मतलब है गाइस कि कौन सी पिन आप यूज कर रहे हो। अगर आपने घर में इलेक्ट्रिक साइकिल बनाई है, स्कूटर बनाया या बाइक बनाई है, तो गाइस उसमें आप चार्ज करने के लिए कौन सा सॉकेट और पिन लगाओ। भाई सपोज कीजिए गाइस आपने ये वाला पिन लगाया, ठीक है, और भाई ये वाला सॉकेट है, तो इस तरीके से लगा दोगे और भाई ये जो वायर है ये आउटपुट ले जाएंगे और आपकी इलेक्ट्रिक साइकिल इस तरीके से चार्ज हो जाएगी। लेकिन गाइस मैंने जो इलेक्ट्रिक साइकिल बनाई है तो भाई इसका सॉकेट अलग है, तो वैसे देखिए मैं वाला कनेक्टर यूज करूंगा जो गाइस उसमें लगने वाला है। और भाई मुझे मिला कहां से है, तो भाई ये वाली जो लीड है ये मैंने इसमें से निकाली है, और भाई ये चार्जर है लीड एसिड बैटरी का, और ये मुझे किट के साथ है, मेरा जो मोटर किट है उसके साथ आपको चार्जर फ्री मिलेगा। लेकिन गाइस लीड एसिड बैटरी का, अगर आपके पास लीड एसिड बैटरी है अगर आप यूज कर रहे हो तो भाई आप इसका यूज करें, और लीड आयन बैटरी यूज कर रहे हो तो आप अलग से चार्जर मंगा सकते हो या बना सकते हो। तो गाइस सारे कनेक्शन कंप्लीट, इनपुट आउटपुट आपने देख लिया है, ईयरस का आउटपुट ईयरस का इनपुट, अभी आप फटाफट इसे बॉक्स में फिट कर देता हूं। A few moments later, तो गाइस मैंने फिटिंग कर दिया मोटी मोटी, यहाँ पर 2 बोल्ट, 1 बोल्ट यहाँ पर ट्रांसफार्मर के लिए और 2 बोल्ट इसके लिए, काफी मजबूती से ये रुक गया है। और अभी भाई ये कैपेसिटर भी भागे फिर रहा है, तो इसे तो हम यहाँ पर ग्लूगन से भी रोक देंगे, और भाई यहाँ पे भी थोड़ी सी ग्लूगन लगा देते हैं, वैसे निकलेगा तो खुद ही नहीं है। और भाई अब लेते हैं मेन लीड जो कि ट्रांसफार्मर को पावर देगी। अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 100K का रेजिस्टेंस क्वार्टर वाट में और एक ग्रीन कलर की एलईडी, क्योंकि गाइस इसमें ऑलरेडी रेड कलर की एलईडी है इस मॉड्यूल में, तो भाई मैं अलग से एक ग्रीन कलर की एलईडी ले रहा हूँ। इन दोनों का अलग अलग वर्क होगा वो आप इस वीडियो में जानोगे, पहले मैं इसे कनेक्शन कर लेता हूँ। ये क्वार्टर वाट का रेजिस्टेंस है 100K का, तो गाइस इसकी जगह मैंने हाफ वाट में लगा लिया है। गाइस कभी कभी ये जल जाता है जो क्वार्टर वाट में 100K का ये भी, तो मैंने हाफ वाट का लगाया जिससे गाइस जले ना। कनेक्शन तो बहुत इजी है भाई, दोनों कनेक्शन इसके लगा दो बस। और अभी इसकी सेफ्टी पर भी बात करेंगे, अभी आपको जाना नहीं है, अभी बहुत कुछ बाकी है दोस्त। तो लीजिए गाइस हमारा चार्जर कंप्लीट हो गया है और इसके दोनों वायर मैंने एलईडी में लगा दिए, इन दोनों का एलईडी का अलग अलग काम होगा। तो भाई जैसे मैं इसे पावर दूंगा देखिए चल गया है, ठीक है, ये इंडिकेटर चल गया है और भाई ये भी चल गया है इसके अंदर वाला। अब गाइस बता दूं मैंने दो दो क्यों लगाए, सिंपल सी बात है, जब आप इसे पावर दोगे इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो गाइस इसका प्लग लगाओगे तो भाई ये लाइट तो जल जाएगी, ये भी जलेगी, तो गाइस आपको पता लग जाएगी ये चल रही है। लेकिन गाइस जब इस प्लग को पावर नहीं दोगे, 220 वोल्ट एसी नहीं दोगे, गाइस इस प्लग को आप इलेक्ट्रिक साइकिल में लगाओगे तो जो रेड कलर की एलईडी होती है ना ये जल जाएगी। देखिए जैसे मैं लगाता हूं, देखिए देख सकते हो रेड की एलईडी चल रही है, लेकिन गाइस ये अब तो चल रही है, मैं इसे निकालता हूँ तो दोनों एलईडी अलग अलग काम है, वो तो गाइस मैं आपको खैर प्रैक्टिकल दिखा दूंगा करके। अब गाइस फटाफट देखते हैं इसके आउटपुट कितने हैं, है ना। तो इसके जो आउटपुट आ रहे हैं फिलहाल वो आ रहे हैं 24.6 या 24.4, माइनस में इधर लगा लेता हूं इसे प्लस को, 24 वोल्ट के अप्रोक्स आ रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हो प्रीसेट है, इसे आराम से हम घुमाकर यहाँ पर इसे वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं, बढ़ रहे हैं, हमें करने गाइस 29.4 बस, इससे ज्यादा नहीं करने, ये लास्ट है, ठीक है 24 वोल्ट के लिए। गाइस मेरी अकल जो ना घास चलने गई थी उस वक्त मैं लगा रहा था, गाइस मैंने 25 वोल्ट का लगा दिया और भाई 26.5 तो यही दे रहा था आउटपुट, तो गाइस 25 वोल्ट का नहीं लगेगा। लेकिन अब हमें पता लगी फटने बाद भाई यहाँ नहीं लगेगा, गाइस आई एम सॉरी, वैसे कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो गाइस हाँ मैं दूसरा कैपेसिटर लगा रहा हूँ थोड़ा बड़ा, 50 वोल्ट 4700 माइक्रोफैराड का, ठीक है। वैसे भी गाइस यहाँ पर ना लगाओ आप कैपेसिटर तो यहाँ पर ऑलरेडी लगे हुए हैं, लेकिन हम सेफ्टी वाले फिर भी लगा रहे हैं। और गाइस मैंने इसलिए आपको दिखा दिया है जिससे गाइस आप इससे सीख ले सको, हाँ भी सही बात है बड़ा लगाना चाहिए, वरना गाइस क्या होता है कि मैं चाहता था इस पार्ट को काट देता, लेकिन नहीं यार रियलिटी कुछ गलती होती है ना वही दिखानी चाहिए जिससे गाइस लोग ना करें। तो गाइस ये कंप्लीट हो चुका है, अब भाई फटाफट से एक बार और आउटपुट चेक कर लेते हैं सेफ्टी पर्पस, 29.4 होना चाहिए, बहुत बढ़िया 29.4 है, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हमारा काम हो गया और हमारा चार्ज भी लगभग बनकर तैयार हो गया है, सेफ्टी पर भी आएंगे, पहले भाई हम इसे यहाँ से निकालते हैं और इसे बंद करते हैं, बंद का मामला यह ही, और यहाँ पर अब शायद आपको एलईडी चमक जाए, ठीक है, तो सही है वो एलईडी तो खैर बाहर ही है। तो भैया फटाफट करते हैं इसे बंद, हमारा काम तो हो गया, ठीक है, आप यहाँ से इसे खोल भी सकते हो। और जो ट्रांसफार्मर बाहर निकल रहा है ना गाइस सही है कि थोड़ी हवा का आदान प्रदान रहेगा, यानी कि वैसे तो यहाँ पर मैंने होल कर दिए हैं और इधर भी होल कर दिए हैं, लेकिन गाइस ये भी थोड़ा सा हवा के संपर्क में रहेगा, ये भी थोड़ा सा एनवायरनमेंट के टच में रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है इससे, ये करंट वरंट नहीं मारेगा, बेफिक्र रही है, मैंने आपको पकड़ भी दिखाया, वैसे भी जब शॉर्ट होगा तो बात अलग है, खराब हो गया तो बात अलग है, तो आपको वैसे ही पता लगी जाएगी। लीजिए भाई चार्जर काफी मस्त है और लग भी रहा है इसकी चार्जर ही है, ठीक है ना, मैं चलाता हूँ तो लगाया हुआ है और देखिए करंट वरंट कुछ है
दिखाई नहीं, देखिए यहाँ पर आपको शायद एलईडी दिख जाए इसके अंदर, तो भाई ये चालू है ठीक है ना। और गाइस ये वाली एलईडी देख सकते हो, ये थोड़ी आपको ब्लिंक होती हुई दिखाई दे रही होगी, लेकिन ऐसा है नहीं, कैमरे पर ऐसा ही दिखता है। तो वैसे गाइस बिल्कुल प्लेन चल रही है ठीक है। ये इसके आउटपुट जो गाइस हम इलेक्ट्रिक साइकिल में लगाएंगे, गाइस टेस्टिंग की बाद में करेंगे, पहले थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है ना, थोड़ा सा इस पर कलर वलर कर देंगे जिसका थोड़ा सा मस्त लगे, और उसके बाद इसकी सेफ्टी पर जाएंगे। पहले गाइस देखेंगे हम कौन सा कलर इस पर करने वाले हैं, जब तो मजा आएगा। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा नया कलर कर दूं, जो कि है जेसीबी येलो, अगर आपको शायद दिख जाए, काफी सिल्वर रेड व्हाइट में करता रहता हूँ। तो गाइस ये बन चुका है, और भाई साहब देखिए पीला कलर कैसा लग रहा है, प्लीज दोस्तों कमेंट करके बताएं। और भाई ये रहा ट्रांसफॉर्मर का मूवी, आप देख सकते हो। तो गाइस ज्यादा बात नहीं करते, चलेगा फटाफट करते हैं स्पीड टेस्टिंग। तो गाइस ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक स्कूटर, तो गाइस हमें इसे ही रिचार्ज करना था, काफी जुगाड़ जुगाड़ से गाइस मैं इसे रिचार्ज कर रहा था, अब गाइस फटाफट रिचार्ज करके देखते हैं। तो गाइस ये रहा मल्टीमीटर, और भाई ये रहा इसका कैप, पहले देख लेते हैं इसके वोल्टेज कितने हैं। वैसे गाइस ये डाउन है, देखिए 26.4 वोल्टेज है, यानी गाइस बैटरी लो है, वैसे 25 पर लो होती है, चल जाएगी, लेकिन भाई हम इसे डाउन ही मानेंगे। और भाई ये रहा प्लग, और इसमें ये एलईडी जल गई है लेकिन आपको दिखेगी नहीं, मैं आपको उसके सीधा मैं डायरेक्ट आपको उसके वोल्टेज दिखाता हूँ आउटपुट। देखिए 29.5 प्लस माइनस का झोल है, इधर उधर कर लेंगे ठीक है, 29.4 अब ठीक है। देखिए प्लग मैंने बिल्कुल एक्यूरेट सेट करे थे, और भाई इसे इसमें लगा दो, बस लग गया आराम से, अब ये भाई चार्ज होता रहेगा। छोड़ देते हैं गाइस, तो गाइस दो तीन घंटे बाद हम इसकी टेस्टिंग करेंगे कितने वोल्टेज हो गए। फ्रेंड्स गाइस 29.4 से ऊपर जाएंगे ही नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स वहां तक ये लास्ट है, तो गाइस ये बैटरी ओवर चार्ज नहीं होगी। चलिए गाइस फटाफट मिलते हैं दो घंटे बाद। तो गाइस वैसे ऐसे दो घंटे से थोड़े ज्यादा हो गए, और गाइस बीच में चेक कर रहा था कि भाई हाँ सही से चार्ज हो रही है नहीं हो रही है, तो गाइस अब देखते हैं कितनी चार्ज होगी। और गाइस वैसे धूप निकल गई है पहले के मुकाबले, तो दो घंटे में क्या से क्या हो जाता है सर्दियों में ठीक है। तो भैया चेक करते हैं इसके, अरे वाह वही वाह 29.4 गाइस ये फुल चार्ज हो चुकी है, देखिए यानी कि पूरे वोल्टेज आप दिखा रहा है 29.4 वोल्टेज आप देख सकते हो। तो भाई लास्ट सेट कर दिए थे तो इतनी है, ये देखिए 29.4 यानी गाइस हमारी ये बैटरी है वो बिल्कुल फुल रिचार्ज हो चुकी है। अब गाइस वैसे तो ये काफी मस्त काम कर रहा है, और भाई ये फास्ट चार्जर है, 3 एम्पीयर का इसके अंदर ट्रांसफॉर्म लग रहा है, तो गाइस इन्हें काफी जल्दी चार्ज कर दिया। बस गाइस में एक दिक्कत है कि भाई इसमें एक सेफ्टी फीचर नहीं है कि जो कि ऑटोमेटिक कट मार दे, 29.4 वोल्ट पहुंचते ही ये ऑटोमेटिक कट कर दे, ये पावर लगातार देता रहता है। तो गाइस आपको घंटे दो घंटे बाद आपको चेक करते रहना पड़ेगा कि हमारी बैटरी फुल हुई है नहीं है, मैंने कहा ऐसा नहीं कि रात भर छोड़ दोगे तो गाइस दिक्कत हो जाएगी। बस इसमें यही फीचर नहीं, मैंने कहा ये बहुत अच्छे से चार्ज कर रहा है, मस्त बिल्कुल काम कर रहा है। तो जैसा गाइस मैंने आपको बिल्कुल लाइव टेस्ट करके दिखाया, आप आराम से इसका यूज कर सकते हो, बस आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो गाइस अगर आपको इसमें ऑटो कट करना है तो गाइस आपको एक प्लेट अलग से इसमें लगानी पड़ेगी ऑटो कट के लिए, तो खैर वो मैं फ्यूचर मार्केट से अपग्रेड कर दूंगा, बिना ब्लॉग वाला चैनल देख सकते हो। अगर आप अमेजोन से लाओगे तो गाइस 2000 रुपए का आपको मिलेगा, जबकि गाइस ये काफी चीप पड़ेगा आप खुद बनाते हो। तो फ्रेंड्स आई होप ये आइडिया आपको काफी मस्त लगा, प्लीज दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब हमारे चैनल को, और भाई जरूर बताएं ये जुगाड़ आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।